बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सैदपुर अंतर्गत ग्राम हीरानंदपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी बाबा की प्रतिमा पर माला अर्पण कर पुष्प अर्पित कर नमन किए। एडवोकेट चंदन ने बताया कि भारतीय संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के प्रणेता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के अवसर पर समाज के वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा देता रहेगा। चंदन कुमार एडवोकेट ने बाबा के संघर्षशील जीवन को ग्राम वासियों के बीच नवाजा और बताया। मुख्य रूप से चंदन कुमार एडवोकेट रामधनी राम अध्यक्ष, मनोज कुमार एडवोकेट केसरकांत अंबेडकर, सुबचन राम मास्टर, प्रभाकर कुमार दिनेश राम, वीरेंद्र कुमार भारती, मनोज कुमार, जयप्रकाश भारती, सन्नीपाल प्रधान, अरुण यादव, सूर्य प्रकाश साहब राव, राहुल कुमार, मंजीत कुमार, संजय कुमार, अखिलेश, विनय कुमार, दीनानाथ व समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। अंबेडकर जयंती पे हम सभी लोगों से सभी को यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब के विचारों और सिद्धांतों को पढ़ करके, उनके आदर्शों को मान करके, उनका अनुयायी बनने का सतत प्रयास करें और अपना विकास शिक्षा के द्वारा जो है अपना विकास करें, यही कहना चाहेंगे। हमारे तरफ से यहाँ के लोगों को यही कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयासों से एक सुंदर संविधान का निर्माण किया जो हमारे विकास में अहम भूमिका निभाता है, और साथ ही शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। तो हम अपने लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षा पर आप लोग भी बल दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए जिससे उनका विकास हो और हमारे दलित समाज का भी विकास हो। आज हर वर्ग के लोग इस जयंती को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? हर वर्ग इस जयंती को लेकर धूमधाम से मना रहे हैं, कारण ये है कि बाबा साहब एक उनमें दिव्य शक्ति मान लीजिए शिक्षा का, जिसके वजह से आज उनका पूजा होता है और उनके मार्गदर्शन पर लोग चलना चाहते हैं। यहाँ के आज जो वरिष्ठ आपके साथ में लोग खड़े हैं, इनके लिए क्या संदेश देंगे? वरिष्ठ तो वरिष्ठ हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा बच्चों के लिए और ग्रामवासियों के लिए। हम उनसे यही अपेक्षा करेंगे कि आप लोग सहयोग देते रहें और विकास में अपना हाथ बटाते रहें। 14 अप्रैल हम दलित समाज और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छा और सुंदर दिवस है, जो आज पूरे भारतवर्ष के लिए जिन्होंने भारत को खुशहाल किया, सुंदर संविधान दिया, जिन्होंने भारत के अगड़े पिछड़े और दलित समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वैसे आज भारत रत्न बाबा साहब जो परम पूज्य हम लोगों के पूजनीय हैं, उनकी आज जयंती पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं और मनाते रहेंगे, हमेशा उनको याद करते रहेंगे। और सर, सबसे पहले तो हम सभी को जय भीमनवमी बुद्धाय बोलना चाहता हूँ और सभी को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि आप यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब के बारे में जो लोग बात करते हैं कि केवल वो सिर्फ दलितों के लिए काम किए हैं, लेकिन सर सरासर ये गलत है, क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम किया, चाहे वो महिलाएं थीं, चाहे जो भी था उस टाइम पे, सबके लिए बहुत बड़ा काम उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग जो जयंती मना रहे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं, कुछ रोक भी लोग लगाते हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, बाबा साहब की जयंती मने, और हम ही नहीं बल्कि हर महिला हर लड़के के अंदर ये जोश आए कि हर साल इसी तरह पूरा जोश के साथ अपना अंबेडकर जयंती मनाएं, और ये चीज़ हर किसी को बताएं कि हाँ भाई, आज के दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और हम ही नहीं बल्कि हर किसी को, चाहे महिला हो, बच्चा, जो भी हो, हर कोई अपने घर मनाए इनके बारे में और उनको बताएं कि आज ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा संघर्ष एक यही जीवन है कि हम लोग इनके बारे में जितना बता सके, जितना समझा सके लोगों को, इतना ही हमारे लिए सबसे बड़ी सही बात होगी। और सर, सभी को हम जय भीम बुधा बोलना चाहते हैं। हम सर यही चाहते हैं कि इसी तरह हर साल उत्सव हम लोग मनाएं और सभी लोग इसी तरह उपस्थित होते रहें। रिपोर्ट शिवाजी गाजीपुर। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।